सोलन के आसपास प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी हुई है, जिसे किसी ने एक बार भी देखा वह उसका दीवाना हो गया। ऐसा ही स्थान अश्विनी घाट के पास है, जहां आकर्षक मनमोहक प्राकृतिक वाटरफॉल है। अभी इन मनमोहक स्थल के बारे में कुछ लोगों को ही जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस रमणीय स्थान के आसपास पर्यटक गंदगी का अंबार लगा चुके हैं। जब इस जगह मुंबई से स्थापित सोलन के प्रसिद्ध अभिनेता मनुज बालिया ने इस स्थल का दौरा किया तो उन्हें वहां फैली गंदगी के कारण बेहद हताशा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से शहरवासियों को इस स्थल को साफ करने के लिए सहयोग की अपील की और लोगों ने इसका भरपूर सहयोग दिया, तो लोगों के साथ मिलकर इस स्थल को काफी हद तक साफ किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अभिनेता मनुज वालिया ने कहा कि सोलन के मनोरम स्थल पर वाटरफॉल के समीप इतनी गंदगी फैली हुई थी कि उन्होंने इस स्थल को साफ करने का निर्णय लिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उनका सहयोग भी दिया, लेकिन इस स्थल पर इतनी गंदगी और कचरा फैला हुआ है कि एक बार में कचरा साफ नहीं हुआ, इसीलिए वह फिर से पर्यावरण प्रेमियों के साथ वहां जाएंगे और बची हुई गंदगी को साफ करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस स्थल को अपना दूसरा घर मान चुके हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह भी इस स्थल को अपना घर माने और इस स्थल को साफ सुथरा रखने में सहयोग दें। आपको बता दें कि सोलन में पहले काफी वाटरफॉल थे, लेकिन पानी कम होने से करीबन सभी वाटरफॉल सूख चुके हैं। अब शहर के पास केवल यही वाटरफॉल बचा हुआ है, जहां लोग जाते तो घूमने हैं, लेकिन वहां गंदगी फैला कर आते हैं, जिसकी वजह से रमणीय स्थल गंदगी से भर चुका है। अगर सही समय पर सोलन के लोग जागरूक नहीं हुए तो ये आखिरी स्थल भी अपनी खूबसूरती खो देगा। सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि सोलन के कुछ लोग जिन्होंने, मेरा एक फेसबुक पोस्ट था, मैंने आग्रह किया था कि मेरे साथ मिलकर आए और इस जगह को साफ सुथरा बनाए, तो काफी सारे लोग मेरे साथ आके जुड़े और एक ड्राइव, बहुत अच्छी ड्राइव हमारी हुई है आज। अभी अगले संडे को भी हम इसे साफ करने वाले हैं, बिकॉज हम केवल चार ही लोग थे आज। अब आने वाले संडे को हम कम से कम 35-40 लोग होंगे और लगभग 500-600 मीटर का स्ट्रेच है वो, जो कि बहुत कचरे से भरा पड़ा है, और मुझे लगता है कि 30-40 बैग कचरा वहां से हम निकाल करके लेकर आएंगे और उस जगह को एकदम साफ सुथरा बना देंगे। तो आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप भी मेरे इस एफर्ट में मेरे साथ आ जाइए और आप भी सोलन में या जिस जगह के भी आप हैं वहां पर एक अपना दूसरा घर बनाइए, जिसे आप साफ सफाई रखने का आप भी निश्चय कीजिए। कि ना, बहुत गंदे तरीके का कचरा भरा पड़ा था, लोगों ने कांच की बोतलें तोड़ के फेंकी हुई हैं, जो कि किसी जानवर के, किसी इंसान के, जो वहां पर डेली पिकनिक के लिए भी जाते हैं, तो खुद की चोट लग सकती है। इतना तो समझ खुद भी रखना चाहिए कि एटलीस्ट अगर चलो नहीं लेकर जाना कचरा तो तोड़े तो ना, क्योंकि कांच उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब संडे को जब हम जा रहे हैं वो कुछ और अच्छी टेक्निक्स के साथ जा रहे हैं कि ताकि हम उस कांच को भी वहां से कलेक्ट करके ला सकें।